गाइस, जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। और आज मैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में और अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं आप सभी का। और अभी हमें कुरही मोड़ पर, जो हमें सिरपुर की ओर लेके जाएगा और हाईवे को छोड़ेगा, तो आप सभी का स्वागत है पुनः सिरपुर के पावन धरती पर। और मैं श्वेत बौद्ध के साथ हूँ, हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। हमने प्लान किया कि चलिए इस समय सिरपुर को विजिट करते हैं, वहाँ की चीज़ें देखेंगे, वहाँ की जो विहारें हैं जो उत्खनित हुई हैं उन्हें भी देखेंगे। और इस तरह से प्लान बन गया और हम आ गए हैं। तो अभी तो हम थोड़ा ये स्टॉपेज है वहाँ पे रुके हुए हैं, जहाँ पे चाय पानी होता है, दिख रहा है आप लोगों को। और हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे चाय वाय पीकर। तो आप लोग को बोर्ड दिख रहा होगा, वहां पे लिखा है वर्ल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है सिरपुर, वो आपको स्वागत करती है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ठंडी भी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, कीप सपोर्टिंग। तो जो सीन अच्छा लगे तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा है, और साथ ही यहाँ पर पर्यटक विभाग का भी बोर्ड लगा हुआ है। और सिरपुर एक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का लगा हुआ है। तो बढ़ते हैं हम अपने टूर पर, और अभी हम जाएंगे तिवरदेव बुद्ध विहार। और ये रहा जो है पास से लगा हुआ है और राइट साइड में है, और यहाँ पे हम तिवर बुद्ध विहार पहुँच चुके हैं। तो ये बाउंड्री वॉल है और इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, तिवरदेव बुद्ध विहार लिखा हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ पर्यटक मंडल के द्वारा लगाया गया है। और चलते हैं फिर, यहाँ पे एक गेट है तो चलिए इसे खोलते हैं। और हमारे साथ श्वेत भैया जी हैं, और चलते हुए ये दरवाजा। फिर फ्रंट में यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे पूरी तरह से जानकारी यहाँ पे दी गई है कि ये 6th-7th century में बनाया गया है बुद्ध। सो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे तिवर बुद्ध विहार का मेन गेट, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे गेट था जो कि अभी नहीं है, वो जर्जर स्थिति में दिख रहा होगा आपको पिलर्स जो है। और फ्रंट में ही बुद्धा की स्टैचू है, जमीन को जब साक्षी मानकर उन्होंने जो पोजीशन पोस्चर जो में बैठे थे उसका। और यहाँ पे बहुत सारे देख रहे होंगे आप कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, तो ये जो कलाकृतियाँ हैं वो बुद्ध की बहुत सारी लाइफ की जो पार्ट है उसे एक्सप्लेन करती है, बहुत सारी जातक कथा में एक्सप्लेन्ड है वो, उन चीज़ों को यहाँ पे कलाकृतियों के द्वारा ये गेट में एंट्रेंस में इसे अच्छे से सजाया गया है। और यहाँ पे और कुछ कुछ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी, और यहाँ पे स्त्रियों की मूर्तियाँ हैं। तो ये सभी चीज़ें जातक कथाओं से बुद्ध की पार्ट ऑफ लाइफ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और ये एंट्रेंस के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे बंदर है, हाथी है, तो इन सारी चीज़ों का जो वर्णन है वो जातक कथाओं में पूर्ण रूप से। यहाँ पे देखिए बंदर दिख रहा होगा, तो बुद्धिमान बंदर वाला आप कथा सुने होंगे, जिसमें कि क्रोकोडाइल एंड मंकी वाला जो आप जामुन का वाला है ना, तो ये स्टोरीज आपने सुने होंगे। तो ये सारी स्टोरीज जो है जातक कथा से लिया गया है। यहाँ पे भी कई सारी हैं, क्रोकोडाइल वाला भी है, यहाँ पे फोटोज जो है कलाकृति जो है वो बनी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छा है।
और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें हम आप सभी चीज़ों को दिखाएं। यहाँ पे देखिए और पिलर्स बने हुए हैं, ये नीचे का फाउंडेशन गेट है और हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कुछ इस तरह के पिलर्स हैं जिसमें कि बहुत सारे नक्काशी की गई है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे बुद्ध विहार है वहाँ पे इस तरह की नक्काशी आपको कॉमन मिलेगी। और नीचे में जो देख रहे हैं आप, इस तरह के फूल वाला स्ट्रक्चर, पद्म फूल जो है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको बहुत सारी जगह में कॉमन मिलेगी। इससे यह पता चलता है कि ये जो सभ्यता, जो कलाकृतियां हैं, वो 5th-6th century AD के से बिलोंग करती है और बुद्धिस्ट का वहाँ पे बहुत ही बड़ा क्रेज़, या फिर कह सकते हैं उस तरह उस समय बुद्धिज़्म का बहुत ही प्रचार प्रसार हमारे भारतवर्ष में हुआ था। तो इस तरह से है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं बीच में थोड़ा सा स्पेस है और ये पिलर्स जो हैं तो बहुत ही पुराने पिलर्स हैं और इन्हें सुरक्षित रखा गया है इसलिए आपको दिख रहे हैं, अन्यथा ये धूप और बारिश के वजह से ये डेली जो है क्या हो रहे हैं, जर्जर स्थिति में आपको दिखेंगे। तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं। यहाँ पे बुद्धा की स्टेचू है और आजू बाजू में पद्म पानी की मूर्तियां हैं। आप देख पा रहे होंगे बुद्धा की जो पोस्चर है वो मतलब पृथ्वी को साक्षी मान रही है कि जब मारा को उन्होंने जब पराजय किया तो उन्होंने पृथ्वी को मतलब धरती को उन्होंने गवाह के रूप में इस तरह से उन्होंने उस दिन प्रॉमिस किया कि अब से जो मारा है वो मुझे नहीं हरा पाएगी, और इस पोस्चर में वो बैठते हुए वो अपना ध्यान लगाए। तो बहुत ही उस समय की आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर रही है और हमें इस विरासत में मिली हुई है तो हम देख पा रहे हैं। और इसे सुरक्षा रखना, हम बुद्धिस्टों का जो बुद्ध को समझते हैं, फॉलो करते हैं, उनका कार्य है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को इन सारी हमारे पूरा तत्व को सुरक्षित रखने देना चाहिए। तो इस तरह से है, यहाँ पे कई सारे पिलर्स हैं और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे बहुत पुराने पुराने पत्थर जो है उन्हें घीस घीस के उन्हें उस कला के थ्रू साइज में लाकर पिलर बनाकर वो इस तरह से बना रखे हैं। तो ये बुद्धा की यहाँ पे बुद्धा विहार था, मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ बुद्धिस्ट मंक जो है निवास करते थे और साथ ही साथ वो अपनी रिसर्च वाली प्रोग्राम है या फिर बुद्धा का जो टीचिंग्स है उसे प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए जो राजा होते हैं वो उन्होंने इन जगहों को दान में दे रखा था